अस्सलाम वालेकुम बेटा हमीर है आप सब अच्छे होंगे सब ठीक ठाक होंगे अच्छा कल हमने बेटा डिस्कस की थी इफ स्टेटमेंट सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर पहली जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी वो इफ स्टेटमेंट थी आज हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हमने कुछ प्रोग्राम जो थे वो नहीं किए किए थे एक एग्ज़ाम्पल देखी थी और बाकी एक दो एग्ज़ाम्पल्स और जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इंशाल्लाह कल नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर यानी इफ़ एल्स स्टार्ट करेंगे तो आज एक आपके पास सामने आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड इफ द सेकेंड नंबर इज़ द स्केयर ऑफ द स्केयर ऑफ फर्स्ट नंबर देखें दो बातें अगर आप गौर करें तो आपके पास इनपुट दो नंबर्स हैं यानी आपको दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जब नंबर्स हैं तो आपको डाटा टाइप इंटीजर तो तो यूज़ करनी है एंड फाइंड इफ द सेकेंड नंबर इज़ केयर ऑफ द तो बेटा इसमें दो नंबर आपने इनपुट करने हैं नंबर्स की डाटा टाइप इंटीजर है और फिर आपने देखना है कि जो आपने दूसरा नंबर इनपुट किया है सेकेंड नंबर जो आपने इनपुट किया है इज़ द स्केयर ऑफ द फर्स्ट नंबर अगर वो नंबर जो है वो स्केयर है फर्स्ट नंबर का तो आप बता दें स्केयर है अदरवाइज़ आपने इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए फाइंड करना है वो स्केयर है या नहीं है लाइक like आपके पास दो नंबर हैं ए और बी ठीक है आप b की वैल्यू जो है वो नाइन रख देते हैं और a की वैल्यू जो है वो थ्री रख देते हैं तो a का स्क्वायर कैसे फ़ाइंड करेंगे a मल्टीप्लाई बाय ए तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री अगर नाइन है तो फिर वो बता देगा यह सेकंड नंबर जो है वो स्क्वायर है फर्स्ट नंबर का तो इसी तरह अगर आप इसको देखें अगर हम इसको सॉल्व आउट करना चाहें तो आप ज़रा देखें ठीक है आप इंटीजर डाटा टाइप के दो वेरिएबल ले लें ले, आपने ले लिए दो वेरिएबल ए व बी जो है आपने दो वेरिएबल ले लिए सी एल एच सी आर में बेटा शुरू में पढ़ा चुका हूँ कि गार्बेज वैल्यू स्क्रीन से ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करनी है तो मैंने कहा एफ ठीक है और इंटर द इंटर आ नंबर या आप कह दें इंटर द फर्स्ट नंबर पहला नंबर जो है वो इनपुट करें ठीक है तो पहला नंबर आपने इनपुट किया उसके बाद उसको स्टोर करवाना है वेरिएबल में स्कैनएफ़ फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने क्या किया और माडुलर स्पेसिफायर चूँकि हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया है तो मॉडुलर स्पेसिफायर हमने डी यूज़ कर लिया और रेफरेंस ऑपरेटर को एंड के रेफरेंस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए वो वैल्यू हमने इसमें स्टोर करवा दी नेक्स्ट सेम एज़ हम क्या करेंगे फिर दूसरा नंबर भी स्टोर करवाएंगे लाइक हम कहते हैं प्रिंट ठीक है वाइट मेन के बाद सॉरी मैं ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे आप मेन बॉडी की ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे फिर आप कहेंगे प्रिंट एफ और फिर आप कहेंगे इंटर सेकेंड नंबर ठीक है सेकंड नंबर भी इंटर किया जाए यस yes, फिर से वही फॉर्मेट है स्कैन ये इनपुट स्टोर करने के लिए है इनपुट लेने के लिए है और अब फिर से क्या करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर वही रहेगा मॉडुलस डी और उसके बाद वही रेफरेंस ऑपरेटर और अब जो है वो नंबर बी में स्टोर हो जाएगा ठीक है दोनों नंबर आपने ले लिए अब डेफ़िनेटली आप एक इफ़ स्टेटमेंट इफ़ क्योंकि कंपेयर करना है दोनों नंबरों को चेक करना है कि पहला नंबर जो है ए जो है वो बी का आपके पास स्क्र uh, है या नहीं है ठीक है तो अब ए आपके क्या करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ए तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी ए मल्टीप्लाई बाय ए और फिर हम क्या कहेंगे इज इक्वल टू बी अगर तो यह कंडीशन होती है ट्रू तो फिर आप क्या कहेंगे प्रिंट एफ ठीक है और कहेंगे आपके पास सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर फिर आप क्या कहेंगे सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर वो पहले नंबर का क्या है स्क्वेयर नंबर uh, का स्क्वेयर है लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो फिर चूंकि आप जानते हैं कि जो आपके पास इफ़ सिलेक्शन स्ट्रक्चर है इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ ट्रू केस पे आपको आउटपुट देता है फॉल्स केस पे आपको आउटपुट नहीं देता है तो हमने ये बॉडी मेन बॉडी को क्या कर दिया एंड कर दिया और ये प्रोग्राम अब हो चुका है जैसे ही आप इसकी आउटपुट की तरफ मूव करेंगे ये आपसे कहेगा इंटर अब ये प्रोग्राम रन होता है कंपाइल सेव करते हैं फिर कंपाइल रन होता है तो आता है तो पहली चीज़ ये आती है इंटर फर्स्ट नंबर ठीक है आप इंटर करते हैं फ़र्ज़ कर लें आपने वो जो नंबर इंटर किया है वो फ़ाइव है फिर वो इंटर आपसे कहता है सेकंड नंबर जो आप सेकंड नंबर इंटर करते हैं वो फ़र्ज़ कर लें आपके पास ट्वेंटी फाइव है ठीक है तो फिर वो इन दोनों को देखता है क्या सेकंड नंबर और फर्स्ट नंबर पाँच फाइव मल्टीप्लाई बाइव यस ट्वेंटी फ़ाइव होता है तो फिर जो आउटपुट आएगी वो ये कह देगा सेकंड नंबर जो है इज़ द वो आपसे कह देगा सेकेंड नंबर इज़ स्क्र एस ई क्यू यू आर ई स्क्र ऑफ़ फर्स्ट number यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है लेकिन अगर आप ए की वैल्यू एंटर करते हैं फोर और बी की वैल्यू एंटर कर देते हैं ट्वेंटी फाइव ठीक है इन दिस सिनेरियो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी अगर आपने ए की वैल्यू फोर रखी हुई है बी की ट्वेंटी फाइव तो फोर मल्टीप्लाई बाई फोर ए सिक्सटीन होता है लेकिन ट्वेंटी फाइव नहीं होता तो फिर आपकी स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट नहीं आएगी तो ये आपका एक एग्जाम्पल आज हमने जो इफ़ की सॉल्व की है वो ये है ठीक है नेक्स्ट एक बुक के ऊपर और है वो मैं बुक से ही करवा देता हूँ आप लोगों को ठीक है इसमें वो कहता है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट थ्री नंबर एंड डिस्प्ले मैक्सिमम नंबर देखिए तीन नंबर लेने आपने और सिलेक्शन स्ट्रक्चर है क्योंकि वो कंपेयर करने की बात कर रहा है कि कंपेयर करो तीनों नंबर्स को और फाइंड करो कि मैक्सिमम कौन सा है क्या ए बड़ा है बी बड़ा है या सी बड़ा है तीन नंबर लेने तो पहला प्रोसेस है आपने तीन जो है नंबर लेने हैं तो डाटा टाइप अगेन इंटीजर ही यूज़ करेंगे नंबर के लिए ठीक है तो हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एस टी डी आई ओ डॉट एच सी ओ एन आई ओ कंसोल डॉट एच ठीक है ये दोनों आपने हेडर फाइल इंपोर्ट कर ली मेन बॉडी आपने स्टार्ट की फिर इंटे बी सी मैक्स क्लियर स्क्रीन आपने वही कहा इंटर द फर्स्ट नंबर जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया ए में इंटर द सेकेंड नंबर बी में इंटर द सेकेंड नंबर थ्री में ये वही इनपुट वाला पोर्शन है दैट इज कॉल वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड डाटा टाइप ठीक है और फिर आपके पास ये वेरिएबलेशन है करने का और मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये मैक्स आपका आउटपुट का वेरिएबल है ये इनपुट के वेरिएबल है इनके पास स्टोरेज कहाँ से आती है इनको नंबर कैसे पता चलता है कि हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है सेट ऑफ ऑपरेशन ये सभी इसे डाटा टाइप से मिलते हैं ये बात में पहले आपको क्लास में जब हम पढ़ा करते थे तब मैं बता चुका हूँ अब मैं क्या करता हूँ जो पहला नंबर ए है उसकी वैल्यू दे देता हूँ मैक्मम को जब मैं फ़र्स्ट नंबर ए की वैल्यू असाइन कर देता हूँ मैक्सिमम को जब ए की वैल्यू मैक्सिमम को दे दी जाए तो फ़र्ज़ कर लें कि आपकी ए की वैल्यू जो है वो ट्वेंटी है ए की वैल्यू ट्वेंटी है तो आपके मैक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा ट्वेंटी ही हो जाएगी अगर मैं कंपेयर करता हूँ और बी की वैल्यू आपके पास क्या है थर्टी है देखें बी बड़ा है मैक्सिमम से यस yes, बी जो है वो थर्टी है मैक्सिमम ट्वेंटी है तो बड़ा है फिर हम क्या कर देंगे बी को इक्वल कर देंगे मैक्स के दैट मीन्स कि वो कंडीशन हो गई है ट्रू तो अब मैक्सिमम की वैल्यू वो नहीं रहेगी अब बी वाली मैक्सिमम में आ जाएगी तो अब जो बी की वैल्यू थी वो थर्टी है तो मैक्सिमम की वैल्यू ट्वेंटी नहीं रहेगी अब जो नई वैल्यू होगी मैक्स की वो थर्टी हो जाएगी इसी तरह फिर हम तीसरे के साथ भी कंपेयर करेंगे इफ सी बड़ा है मैक्सिमम से सी की वैल्यू यहां पे बेटा आपके पास देखें इधर सी की वैल्यू है ट्वेल्व और मैक्सिमम की वैल्यू है थर्टीन थर्टीन तीस ठीक है तो क्या बारह जो है ट्वेल्थ जो है वो तीस तो से बड़ा है थर्टीन से बड़ा है नहीं बड़ा है कंडीशन हो जाएगी फॉल्स तो फिर आप क्या कहेंगे प्रिंट द मैक्सिमम नंबर तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी है मैंने कास्ट कंडीशन के ऊपर ये स्टेटमेंट बेस करती है कंडीशन फॉल्स तो ये स्टेटमेंट स्किप हो गई तो ये नंबर आपका इसमें कंडीशन पास नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे जब आप इसको डिस्प्ले कराएंगे तो मैक्सिमम की वैल्यू थर्टी आएगी क्योंकि बी की वैल्यू मैक्सिमम को दी थी और वही वाली आएगी उसमें कहता व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट ये बात बेटा हम बहुत दफा पहले कर चुके हैं कि लिमिटेशन इफ स्टेटमेंट की यही है कि ये जस्ट आपको नजर आ रहा है यहां पे कि ये ट्रू केस पे वर्क करती है यानी कंडीशन ट्रू होगी होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगर कंडीशन हो जाती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है अगर आप इस बात को यहां से समझे ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है फोर्टी तो पास कहेगा ठीक है अगर मार्क्स फोर्टी से कम हो जाते हैं कंडीशन फॉल्स तो ये फॉल्स होती है तो ये कोई आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी स्किप हो जाएगी कोई आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आपके को नजर नहीं आएगी <coughs> यही वो कह रहा है एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट आर सेट ऑफ स्टेटमेंट इफ द कंडीशन इज ट्रू अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट स्टेटमेंट से आर सेट ऑफ इफ द कंडीशन इज फॉल्स नहीं करेगा जब फाल्स होगी इन दिस सिचुएशन सिंपल इफ स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज इफेक्टिवली ठीक है क्योंकि अगर एल्स का आउटपुट आपको चाहिए इवन नहीं है तो ऑड है फिर इस केस में आपके पास इफ स्टेटमेंट वर्क नहीं करती है शुक्रिया आज के लेक्चर से इतना ही कल इंशाल्लाह फर्दर आगे देखेंगे